हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को फिर क्लास सेवन्थ का सब्जेक्ट जीके यानी कि जनरल नॉलेज या फिर जनरल कार्ड चैप्टर सेकंड है क्या बच्चों। यहाँ पे गलती से फर्स्ट लिखा गया है। चैप्टर क्या है? सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर सेकंड और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? माइग्रेटरी बर्ड्स। बच्चे देखो नाम कितना अच्छा है ना, आपको समझ में बर्ड मतलब तो आप समझ रहे होगे पक्षी की बात किया जा रहा है, बट आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा माइग्रेटरी मतलब क्या होता है, फिर माइग्रेशन। बच्चों माइग्रेटरी मतलब ये होता है प्रवासी, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मतलब अपनी भाषा में समझो तो माइग्रेटरी मतलब घुमंतु होता है। क्या होता है बच्चों? घूमने वाला, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा जाके घूमने वाला किसे कहते हैं? अगर कोई बोलते हैं ना गाँव में विलेज में एक वर्ड यूज करते हैं, बहुत घुमक्कड़ है, मतलब बहुत घूमता है इधर से उधर, घर से बाहर, बाहर से बगीचा, इधर उधर, मतलब बहुत खेलता कूदता रहता है। उसी तरह इंग्लिश में बच्चों एक माइग्रेटिव वर्ड जो यूज हुआ उसको बोलते हैं घुमंतु। क्या इसका हिंदी बच्चों? घुमंतु। अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को, अभी और देखिए किस घुमंतु मतलब इसका हिंदी प्रवासी भी होता है, मतलब अपने स्थान को छोड़ छोड़ के ये लोग दूसरे जगह जाते हैं, और इनका कई रीजन है आखिर ये छोड़ के जाते क्यों हैं। तो बच्चों ये रीजन है, मान लो कोई पक्षी आप लोग देखते होंगे समर वकेशन में दिख रहा है गर्मी के सीजन में, तो विंटर में नहीं दिखेगा, कहीं और चला जाएगा जहाँ उस इस टाइम पे कहीं और गर्मी पड़ रही होगी। तो हमको पता भी है कि हमारे जो मतलब देश है या फिर ये जो जितने भी अर्थ पर रहते हैं अलग 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 जगह का टेम्परेचर है। जैसे मैं आपको बात करूँ, अगर इस टाइम आप यहाँ पर देखो बारिश का मौसम है, लेकिन राजस्थान वगैरह में चले जाओ वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होगी, वहाँ पे खूब कड़ा धूप हो रहा होगा, बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर होगा, ठीक। तो ऐसे कहीं और चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, हम लोग के यहाँ जब ठंड में जो विंटर सीजन होता है, ठंडी जब आती है तो उसमें टेम्परेचर बहुत जाता होगा, बहुत कम होता होगा, लेकिन वहाँ माइनस में चला जाता है, मतलब बहुत ही अंतर है। ये जो हम लोग रहते हैं ना एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है कि कौन कहाँ पे रहता है, ये डिपेंड करता है, ठीक। तो माइग्रेशन का मतलब ये होता है बच्चों प्रवासी या फिर बोलो घुमंतु, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो नवोदय विद्यालय में हम लोग को माइग्रेशन बॉयज बोला जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पढ़ने जाना होता है। मतलब हम लोग का माइग्रेशन आसाम होता था, तो आसाम हमारे यहाँ के बच्चे जाते थे, तो उनको क्या बोला जाता था? माइग्रेशन बॉय जाने वाले हैं। असम वाले जब आते थे हमारे संत कबीर नगर नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ बोला जाता था कि माइग्रेशन बॉय जा गए। माइग्रेशन मतलब ये हुआ वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, हमारे कल्चर को सीखने आए हुए हैं, हमारे यहाँ के बारे में जानने आए हैं, पढ़ाई के बारे में कई चीज़ें, ठीक। तो माइग्रेशन मतलब घुमंतु या फिर प्रवासी, ठीक। तो यहाँ पे माइग्रेटरी वर्ड लिखा हुआ, बर्ड मतलब पक्षी, मतलब हम लोग यहाँ पे पक्षी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब क्या बोलते हैं सीजन के अनुसार चलते रहते हैं। जैसे समर का सीजन चल रहा है, विंटर का सीजन चल रहा है, इस समय बारिश का मौसम है, ऐसे सीजन होता है ना, तो ये इस हिसाब से मतलब बहुत से ऐसे बर्ड हैं जो वर्क करते हैं सीजन के अनुसार। तो बच्चों आइए हम आपको बुक दिखा देते हैं, इतना तो मैं आपको बता दिया टॉपिक के बारे में, ये आपकी बुक है। अब आपको मैं बुक से पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग देख सकते हो ये आपका बुक है, देख लो लिखा हुआ नॉलेज कार्ड क्लास सेवन। आप लोग बच्चे नहीं हो फिर भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होगे यही बुक है, नॉलेज कार्ड लिखा हुआ सेवन क्लास के हो आप लोग, ठीक। तो आप लोग चैप्टर नंबर सेकेंड ओपन कर लीजिए बुक, चैप्टर नंबर सेकेंड, और पेज नंबर है बच्चों आप लोग को नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, फिर भी बता रहा हूँ पेज नंबर सिक्स। कितना बच्चों? पेज नंबर सिक्स ओपन कर लो आप लोग बुक को। अब देखो बच्चों इसमें जो जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ूंगा, और आप लोग को ध्यान से सुनना भी है, क्या करना है सुनना भी है, और मैं यहाँ लिखूंगा भी ताकि आपको मतलब क्लियरली दिखे, पढ़ने से नहीं होगा, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टफेस्ट वर्ड यूज हुआ है जिसका मीनिंग भी जानना जरूरी है बार बार, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अमेरिकन गोल्ड फिंच। बच्चों एक बर्ड का नाम है गोल्ड फिंच, वो अमेरिका में पाए जाते हैं, कहाँ पे? अमेरिका में, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है अमेरिकन गोल्ड फिंच। जैसे बच्चों हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप को? आई एम इंडियन, हम लोग इंडियन है ना, आई एन यूज किए। उसी तरह जो अमेरिका एक वर्ड है, देश का नाम आपको भी पता है, कंट्री का नाम है, आई ए एन लगा दिए तो उसको बोलते हैं अमेरिकन, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना आई एम इंडियन, इसी तरह वहाँ पर एक गोल्ड फिंच नाम की बर्ड पाई जाती है।
क्या नाम है बच्चों, आपको याद हो जाना चाहिए एक वर्ड का नाम इसी वक्त, गोल्ड मतलब सोना होता है ना, इसी से याद हो जाना चाहिए। फिंच एक वर्ड आ गया, फिश समझ लो, मछली समझ लो इसको, लेकिन नहीं, यहाँ पे मछली नहीं समझना, बस हम आपको लॉजिक दे रहे हैं कि गोल्ड फिंच एक बर्ड है जो कहाँ पे पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पे बच्चों? अमेरिका में। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन गोल्ड फिंच। क्या बोलते हैं? अमेरिकन गोल्ड फिंच। तो आइए लिखते हैं, लिखा हुआ है एन अमेरिकन गोल्ड फिंच, ए एन एन अमेरिकन, ए एम ई आर आई सी ए एन अमेरिकन, सी आई ए एन, सी आई ए एन अमेरिकन गोल्ड फिंच, जी ओ एल डी गोल्ड एफ आई एन सी एच, ये बर्ड का नाम है बच्चों, याद रखना, भूलना मत। स्पेलिंग देख लेते हैं, सही है ना? हाँ सही है, ठीक। तो आपको याद होना चाहिए कि जो गोल्ड फिंच है ये एक बर्ड का नाम है, कहाँ पे रहती है? अमेरिका में रहती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, आल्सो नोन एज द ईस्टर्न गोल्ड फिंच। बच्चों इसको एक नाम से और जानते हैं क्या, आल्सो क्या लिखा हुआ है, आल्सो अभी बता रहे हैं इसको ऐसा नाम क्यों पड़ा और बता रहे हैं, एंड आल्सो नोन एज द ईस्टर्न, मतलब ई ए एस टी ई आर ई एन, ई ए एस टी ई आर एन, ईस्टर्न मतलब ईस्ट की साइड में, पूर्व की साइड में, ईस्टर्न गोल्ड फिश, गोल्ड फिंच। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं ये किस नाम से और इस नाम से क्यों जाना जा रहा है, ईस्टर्न गोल्ड फिंच, क्योंकि जो मैप के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े होंगे, सेवन्थ में चले गए हो तो सिक्स में या फिफ्थ में अर्थ एक चैप्टर पढ़े थे सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में, तो उसमें आप मैप देखे होंगे। मैप में अगर आप अमेरिका कंट्री को ढूंढो तो डायरेक्शन के हिसाब से वो ईस्ट साइड में है। किस साइड में है? ईस्ट साइड में है। इसीलिए इस बर्ड को यानी गोल्ड फिंच को ईस्टर्न गोल्ड फिंच के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ में आया इनको ईस्टर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट साइड में पाए जाते हैं, कौन, अमेरिका जो कंट्री है, और गोल्ड फिश इसलिए क्योंकि इसी बर्ड की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही आपके मन में प्रश्न भी आना चाहिए कि सर व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ईस्टर्न गोल्ड फिंच, अब नहीं आना चाहिए ना, ना ही आएगा, क्योंकि ये आपका आंसर ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये ईस्ट साइड में पाए जाते हैं, अमेरिका जो कंट्री है वो ईस्ट साइड में है, और ये गोल्ड फिंच उधर ही पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी और क्या है, ईस्टर्न गोल्ड फिंच, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, फिर लिखा हुआ है इज ए स्मॉल नॉर्थ अमेरिकन माइग्रेटरी बर्ड। बच्चों आगे लिखा हुआ है इज ए, कामा लगा के लिखा हुआ है इसी में, इज ए स्मॉल, इज ए स्मॉल नॉर्थ अमेरिकन माइग्रेटरी, नॉर्थ अमेरिकन माइग्रेटरी। अब बच्चों देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो अभी ईस्टर्न भी बोल रहे थे, यहाँ पे नॉर्थ साइड की भी बात कर रहे हैं, तो बच्चों हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्या, माइग्रेटरी मतलब प्रवासी, घुमंतु, ईस्ट से नॉर्थ जाते हैं, नॉर्थ से ईस्ट आते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है क्या, इज ए स्मॉल नॉर्थर्न अमेरिकन माइग्रेटरी बर्ड, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब फिर आगे लिखा हुआ है इट माइग्रेट्स, मतलब ये माइग्रेट होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, नाम भी लिखा हुआ है कहाँ से, फ्रॉम मिड अल्बर्टा टू नॉर्थ कॉर्नोलिनिया ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। अब देखो बच्चों कितना खतरनाक चीज लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इनके बारे में निकल के आ रही हैं, किसके बारे में, गोल्ड फिंच के, कि कहाँ से कहाँ जाती है, नाम लिखा हुआ है, एक तो नाम है मिड अल्बर्टा, नाम ही क्या है, मिड अल्बर्टा टू, मतलब यहाँ से लेके कहाँ तक, नॉर्थ कैरोलिना, क्या लिखा है बच्चों, कैरोलिना, सी ए आर ओ एल आई एन ए, एक जगह का नाम है भी, वो भी किस सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में जाते हैं, सीजन पे भी डिपेंड करता है कि ये सीजन में अलग अलग जगह जाते हैं, समझ में आया। जैसे मैं अगर मैं आप लोग अपने हम लोग की बात करें, अगर हम लोग ठंडी, जब हम लोग का ठंडक पड़ती है, जाड़ा आता है,
अगर हम लोग से कोई कह दे कि जाओ आप लोग जम्मू कश्मीर में रहो तो आप लोग रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है माइनस में चला जाता है ठंड के समय में, हम लोग नहीं ढाल पाएंगे वहाँ पे, नहीं माइग्रेट हो पाएंगे। तो इसीलिए ये लोग जब एक जगह पे नहीं रह पाते हैं, नहीं ढाल पाते हैं, तो माइग्रेट करने लगते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगते हैं। वो भी कैसे? सीजन के अनुसार, कौन सा सीजन कहाँ चल रहा है उस हिसाब से इनको भी पता होता है, उस हिसाब से वो वहाँ से चल देते हैं, निकल देते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है बच्चों, क्या? इट माइग्रेट्स। इट मतलब कौन? यही गोल्डफिंच की बात की जा रही है बच्चों, ध्यान देना। अभी किसकी कहानी चल रही है? गोल्डफिंच की ही कहानी चल रही है। ये बर्ड जो है गोल्डफिंच, इसी की कहानी चल रही है, किसी दूसरे बर्ड की नहीं। अमेरिका में यही सब काम हो रहा है। कहाँ का बात हो रही है? अमेरिका की बात हो रही है। ठीक, तो इट, इट मतलब कौन? गोल्डफिंच। इट क्या लिखा हुआ है? इट माइग्रेट्स फ्रॉम, इट MIGRATES, इट माइग्रेट्स फ्रॉम, कहाँ से बच्चों? मैं पहले ही बोला हूँ, मिड अल्बर्टा। स्पेलिंग मतलब प्लेस का नाम है, मिड है या मिट है देख लेते हैं, पर मिड है, मिड अल्बर्टा, BERTA। नाम थोड़ा अटपटा है क्योंकि अमेरिका का नाम है, तो प्लेस का नाम थोड़ा बहुत रहेगा, ऐसे ही रहता है, तो आपको ध्यान से लिख लेना है ताकि याद रहे। मिड अल्बर्टा टू नॉर्थ, कहाँ से कहाँ तक? टू नॉर्थ। नॉर्थ की साइड में एक जगह का नाम क्या बच्चों? उस जगह का नाम है कैरोलिना। कितना खतरनाक है, थोड़ा सा अटपटा है, कैरोलिना। प्लेस का नाम क्या है? कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, मतलब नॉर्थ की साइड में होगा। और वो भी कब? ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। किस टाइम में बच्चों? ड्यूरिंग, किस टाइम में ये लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, मिड अल्बर्टा से नॉर्थ कैरोलिना तक किस सीजन में जाते हैं? ब्रीडिंग सीजन में। कौन से सीजन में? BREEDING, ब्रीडिंग सीजन में। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों आपके दिमाग में सब चीज़ें चल रही होंगी कि ये अमेरिका में पाया जाता है, स्पेस मतलब क्या, बर्ड का नाम गोल्ड फिंच है, और इसका ट्रेवलिंग कहाँ से कहाँ होता है बच्चों? मिड अल्बर्टा से नॉर्थ कैरोलिना तक होता है, और वो भी किस सीजन में? ब्रीडिंग सीजन में। कौन सी सीजन में बच्चों? ब्रीडिंग सीजन में। अब बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? ये तो ब्रीडिंग सीजन की बात हो गई, किस सीजन की? ब्रीडिंग सीजन की। यहाँ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ तो आपके आपके दिमाग में रहे कि इस सीजन की बात की जा रही है। अब बच्चों उसी लाइन में अभी और आगे क्या लिखा हुआ? एंड, मतलब और आगे अभी कुछ लिखा हुआ है, कामा करके लिखा हुआ है एंड, क्या? एंड अभी आगे और बता रहा है कि इस सीजन में यही बर्ड और कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब अलग अलग सीजन में है ना, फिर अगले सीजन की बात करने जा रहा है। अभी लिखा हुआ है एंड फ्रॉम जस्ट साउथ ऑफ द कैनेडियन बॉर्डर टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर। अब देखो बच्चों विंटर सीजन की बात कर रहा है, किस सीजन की? विंटर सीजन की। और इसके पहले किस सीजन की बात किया है? ब्रीडिंग सीजन की। किस सीजन की? ब्रीडिंग सीजन की। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड फ्रॉम FROM फ्रॉम जस्ट नॉर्थ, क्या बच्चों? जस्ट नॉर्थ, सॉरी साउथ, साउथ है क्या बच्चों? मिस्टेक हो गया, जस्ट साउथ, जस्ट साउथ ऑफ द कैनेडियन, साउथ ऑफ द कैनेडियन, CANADIAN, कैनेडियन, कनाडा नाम से याद करना। ठीक, कैनेडियन बॉर्डर टू मैक्सिको, बॉर्डर टू मैक्सिको, MEXICO, मैक्सिको। ठीक, कनाडियन बॉर्डर टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कौन सा सीजन बच्चों? विंटर सीजन, WINTER, विंटर सीजन। अब समझते हैं, कुछ नहीं, बहुत हल्का सा वर्ड लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा मेन कीवर्ड है यार, प्लेस का नाम याद रखना है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐसे पॉइंट में ऐसे कहानी बना के याद रखना है ताकि भूलोगे नहीं। हाँ, नाम थोड़ा अटपटा है मैं मान रहा हूँ,
तो उस नाम को कुछ नहीं, बस आपको लिखना है धीरे से, एक बार लिखने लेना, एक दो बार, ज़्यादा ज़्यादा दो बार तीन बार लिख लोगे तो दिमाग में आ जाएगा कि मिड अल्बर्टा एक प्लेस का नाम है, नॉर्थ कैरोलिना एक प्लेस का नाम है, कैनेडियन बॉर्डर एक है, और क्या है, मैक्सिको एक प्लेस का नाम है। तो ये सब लिखना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेलिंग, तभी जाके होगा, नहीं तो और कोई इसका कोई सलूशन भी नहीं। ये भी जान लेना कि कैसे लिखोगे, ठीक। तो यही लिखा हुआ था क्या, कि ये लोग साउथ ऑफ द कनाडियन जो एक बॉर्डर है, एक कैनेडियन जो बॉर्डर है वहाँ से लेके मैक्सिको तक, कहाँ तक, मैक्सिको तक माइग्रेट करते हैं, वो भी किस सीज़न में बच्चों, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, किस सीज़न में, विंटर सीज़न में, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, आपको याद तो रहेगा ना कि जो गोल्ड फिंच है अमेरिका का है, इस सीज़न में यहाँ से यहाँ जाता है, उस सीज़न में यहाँ से यहाँ जाता है। तो याद रखना बच्चों, जीके दिमाग में रखना भी चाहिए आपको, ठीक। तो बच्चों कुछ नहीं, इतनी ढेर सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़े, किसके बारे में, गोल्ड फिंच के बारे में, किस, क्या है, एक बर्ड है, क्या बच्चों, बर्ड है। थोड़ा सा एक बार कहानी हम थोड़ा और बता देते हैं इसी को, फिर इसके बाद इसी के बारे में और कई सारी चीज़ें अभी लिखी हुई हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, आपको इतना याद हो जाए इसलिए, ताकि बोरिंग ना फील हो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि अभी तक मैं लिख रहा था ब्लैक बोर्ड की साइड पे, तो आपको थोड़ा फोकस कम रहा होगा, अब मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ। बच्चों याद क्या करना है, कि एक गोल्ड फिंच बर्ड है, क्या है बोलो आप लोग भी, एक गोल्ड फिंच बर्ड है जो अमेरिका में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, और बच्चों ये माइग्रेट करता है, इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या, ईस्टर्न गोल्ड फिंच, मतलब जो अमेरिका कंट्री है किस साइड में है, ईस्ट की साइड पे है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, ईस्टर्न गोल्ड फिंच। मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं देखो मिस कर जा रहा था, इसको और किस नाम से जानते हैं बच्चों, ईस्टर्न गोल्ड फिंच के नाम से, ठीक। अब आपको इनकी दो खासियत याद रखना है, जो कि मेनली चैप्टर में ही एक आ जा रहा, माइग्रेशन, तो इसका मतलब आपको कहाँ से कहाँ ये माइग्रेट करते हैं और किस सीजन में करते हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दो सीजन हम लोग पढ़े, एक ब्रीडिंग सीजन और एक विंटर सीजन, क्या बच्चों, एक ब्रीडिंग सीजन और एक विंटर सीजन। ब्रीडिंग सीजन में बच्चों कहाँ से कहाँ जाते हैं, इसको भी हाईलाइट करते हैं ताकि आपको वहाँ से दिखे। ब्रीडिंग सीजन में कहाँ जाते हैं, मिड अल्बर्टा, यहाँ देख सकते हो, मिड अल्बर्टा एक प्लेस का नाम है, मिड अल्बर्टा टू नॉर्थ कैरोलिना, कहाँ तक बच्चों, नॉर्थ कैरोलिना तक जाते हैं, और इसको ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, किस सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में, कौन से सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में, ठीक। अब बच्चों आगे आप लोग देख सकते हो, फिर लिखा हुआ है एक सीजन और है, कौन सा सीजन, विंटर सीजन, बहुत ही फेमस है, सर्दी वाला, मतलब जो हल्का सा ठंडक जिसमें पड़े, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, विंटर सीजन में कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ये भी आपको याद रखना, मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा हूँ, कहाँ से बच्चों, साउथ ऑफ द कैनेडियन बॉर्डर, कहाँ से बच्चों, कैनेडियन बॉर्डर से टू मैक्सिको, मैक्सिको भी एक प्लेस का नाम है, कहाँ तक बच्चों, मैक्सिको, नाम हम सुना सा लग रहा, हम गए तो नहीं अमेरिका, बट मैक्सिको बहुत अच्छा नाम है। तो कहाँ से, कैनेडियन बॉर्डर टू मैक्सिको तक, वो भी किस सीजन में, विंटर सीजन में, कौन से सीजन में बच्चों, विंटर सीजन में होता है, ठीक। हमको लगता है अब आपको दिमाग में सारी चीज़ें बैठ गई होंगी, जितना इसके बारे में कहानी बताया। अभी कुछ और कहानी है, वो आगे कहानी ये है कि इनके जो मेल फीमेल होते हैं ना बच्चों, ये जो बर्ड है ना, मेल अलग कलर में पाए जाते हैं, फीमेल अलग कलर में पाए जाते हैं, अभी हम लोग को इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो है इनके जो बर्ड हैं, गोल्ड फिंच हैं, हर चीज़ का दो मतलब वो होता है, जेंडर होता है, एक मेल और एक फीमेल। तो इसी तरह भी आप देखोगे जो एक मेल है, जो गोल्ड फिंच का मेल होता है वो अलग कलर पाया जाता है, और जो फीमेल होता है वो अलग कलर में पाया जाता है। ये कुदरत का देन है, कितना ख़तरनाक चीज़ है, ठीक। तो इतना आप लोग राइट डाउन करो, फिर अभी हम इसके बारे में और फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, गोल्ड फिंच के बारे में।
ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे इसी गोल्ड फिंच के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो आपको बच्चों ये सब याद रखना है जो मैं पॉइंट वाइज ये बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ इतना अच्छा तरीके से, आपको ये सब चीज़ें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, हर चीज़ को मार्क्स से ही नहीं कंपेयर किया जाता है। मार्क्स जरूरी नहीं एग्जाम में सब सारी चीज़ें पूछी जाएँ, बट बुक में लिखा हुआ है तो पढ़ना तो जरूरी है। बुक में दिया किस लिए? जानकारी के लिए, ताकि आप जानो। आखिर मैं भी इतना ये सब चीज़ें थोड़ी ना जान रहा था, आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी नॉलेज हो रहा है ना कि गोल्ड फिंच एक बर्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करती है, इस सीज़न में पाई जाती है। तो ज़रूरी है बच्चों ये सब जानना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए कि कोई ऐसी बर्ड होती है जो ये है वो है ऐसा है वैसा है। अभी कई सारे बर्ड के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो एक ही बर्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अब बच्चों क्या लिखा हुआ है, मैं बोला था ना मेल और फीमेल इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब दो लोग होते हैं तो इनका कलर भी अलग अलग होता है। तो वही लिखा हुआ है बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए, फिर यहाँ राइट डाउन करूँगा, फिर समझाऊँगा अच्छी तरीके से। लिखा हुआ है, द मेल इज ए वाइब्रेंट येल्लो इन द समर एंड एन ओलाइव कलर ड्यूरिंग द विंटर। अब देखो बच्चों, अभी तो मैं आपको ये बताया हूँ कि मेल फीमेल अलग अलग कलर के होते हैं ना, लेकिन एक खतरनाक चीज़ और निकल के आ गया, डेंजरस बहुत ही, कि मेल भी सीजन वाइज भी कलर उनका अलग हो जाता है। मतलब अगर एक स्पेशली दो चीज़ बात करो, एक तो मेल एक फीमेल, तो अलग अलग कलर तो होंगे ही होंगे, बट ये भी अब निकल के आया कि जो मेल होते हैं ना उनका भी कलर अलग अलग होता है, वो भी मतलब क्या प्लेस के अनुसार, मतलब सीजन के अनुसार बदल जाता है उनका। गर्मी में किसी और कलर का दिखेंगे, जैसे लिखा हो येल्लो कलर के दिखते हैं, और विंटर में लिखा है ओलाइव कलर, मतलब जैतून, आपको सुने होंगे जैतून, एक वर्ड आता है जैतून जिसका हिंदी होता है ओलाइव कलर, जैतून का शायद तेल पता नहीं क्या होता है, जो भी नहीं पता है। तो ओलाइव मतलब क्या होता है बच्चों, जैतून होता है, ओलाइव कलर हो जाते हैं किस टाइम में, विंटर साइड में। तो कि देखो वही कितना अच्छा चीज़ निकल के आया गोल्ड फिंच के बारे में, क्या लिखते हैं, लिखा हुआ है द मेल इज ए वाइब्रेंट, क्या लिखा हुआ है, द मेल एम ए एल ई, द मेल, मेल और फीमेल सुने हो बच्चों, वही मेल की बात किया जा रहा है, एम ए एल ई मेल मतलब पुलिंग, द मेल इज ए वाइब्रेंट, इज ए वी आई बी आर ए एन टी, इज ए वाइब्रेंट येल्लो इन समर, किस कलर का होता है बच्चों, येल्लो कलर का होता है किस टाइम में, समर में, गर्मी जब पड़ती है, इन समर, आप सुनते होगे ना बच्चों समर वोकेशन होता है, गर्मी की छुट्टी होती है, इसी तरह यहाँ भी बात कर रहा है क्या, द मेल इज ए वाइब्रेंट येल्लो इन समर एंड, क्या लिखा हुआ अभी समझा रहे हैं, लिख लेते हैं एंड, और क्या लिखा हुआ है, एंड एन ओलाइव कलर, ओलाइव मतलब जैतून होता है बच्चों, एंड एन ओलाइव, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ओलाइव थोड़ा वर्ड अलग है, ओलाइव मतलब होता है जैतून, जिसका हिंदी क्या होता है, जैतून, ओलाइव कलर, क्या बच्चों, ओलाइव कलर किस सीजन में, इन विंटर सीजन में, किस सीजन में बच्चों, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर। अब देखो समझते हैं, लिख भी लिए पढ़ भी लिए, समझते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से, क्या जो बच्चों मेल होता है, क्या होता है मेल, किसका, गोल्ड फिंच की, किसकी बात कर रही है, किया जा रहा है गोल्ड फिंच की, जो मेल होते हैं बच्चों ये येल्लो कलर होते हैं किस टाइम में, समर में, आपको याद रखना है, गर्मियों में ये लोग पीले कलर के दिखते हैं, येल्लो कलर के दिखते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, कौन, गोल्ड फिंच। आपसे प्रश्न कई तरीके से उठाया जा सकता है, आप ऐसा मान के चलो कि हमारा लाइन बाय लाइन से भी प्रश्न उठ सकता है, ऐसे भी पढ़ा करो, ऐसे ही पढ़ा करो, आगे चल के बहुत फ़ायदा आएगा, कंपटीशन वगैरह में ऐसे लाइन टू लाइन पूछ ली जाती है। ठीक, तो पूरा चैप्टर भी पढ़ के क्या फ़ायदा, जब एक ही क्वेश्चन आएगा उसमें से भी आप लाइन से पढ़े ही नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि जो मेल होता है वो बच्चों समर के सीजन में येल्लो कलर का होता है, कैसा, येल्लो कलर का। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड एन ओलाइव मतलब एक ओलाइव कलर होता है, ओलाइव कलर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, मतलब बच्चों जब सर्दी, यानी कि जब सर्दी का मौसम आता है, जब थोड़ा ठंडक पड़ती है, विंटर सीजन आता है, उस दौरान ये लोग ओलाइव कलर हो जाते हैं, मतलब जैतून की तरह हो जाते हैं। ठीक, समझ में आया। अब फीमेल की बात आती है बच्चों, मेल के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब फीमेल की बात आती है, फीमेल में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, लिखा हुआ है वाइल मतलब आगे, जबकि, जिसका इंग्लिश क्या होता है, जबकि,
कामा करके लिखा हुआ है वाइल। बच्चों थोड़ा सेंटेंस आपने बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है, इसलिए मैं ब्रेक कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको बोर ना हो, ठीक है। तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके अच्छे समझा रहा हूँ। वाइल मतलब जबकि, द फीमेल किसकी बात किया जा रहा है बच्चों, द फीमेल FEMALE द फीमेल इज ए डल, इज ए DUL डल येल्लो ब्राउन, कैसा कलर है बच्चों, येल्लो ब्राउन BROWN येल्लो ब्राउन सेड, सेड मतलब होता है बच्चों छाया, सेड विच ब्राइटेंस, विच अभी आगे हम समझा रहे हैं सबका मतलब, विच BRIGHTENS ब्राइटनेस मतलब क्या होता है बच्चों, चमकदार, ब्राइटनेस ओनली स्लाइटली, क्या लिखा हुआ बच्चों, ओनली स्लाइटली SLIGHTLY ओनली स्लाइटली ड्यूरिंग द समर, समर वोकेशन की बात कर रहा है बच्चों, ड्यूरिंग द समर SUMMER समर, ठीक। देखो कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है बच्चों, इसको भी ध्यान से देखने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से समझ जाएं। बच्चों जो पिछला था वो तो हम यहाँ पे हाईलाइट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग जो हाईलाइट करने जा रहे हैं, देखें ये फीमेल की बात किया जा रहा है, किसकी बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फीमेल, आगे फीमेल की बात किया जा रहा है, किसके, गोल्ड फिंच के फीमेल की बात किया जा रहा है। ए डल, डल मतलब होता है बच्चों डीम, मतलब होता है ना बहुत, एक तो बहुत ही ब्राइटनेस कलर मतलब चमकदार एकदम, और डल मतलब होता है एकदम, मतलब अगर वर्ड बोलो तो होता है ना जैसे कहते हैं लोग डल हो गया, मुरझा गया, मतलब उसका एकदम कलर ब्राइट ना होना, डल हो जाना, डीम हो जाना, हल्का संधेरा टाइप का, पूरा क्लियर नहीं, ठीक। तो वही बोला जा रहा है क्या, डल येल्लो ब्राउन, फीमेल जो होते हैं बच्चों वो डल येल्लो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, मतलब बहुत ही फीका, बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत ही ब्राइटेस्ट नहीं, येल्लो ब्राउन यानी पीला ब्राउन कलर का, दोनों मिक्सअप कलर जो होते हैं हल्का सा येल्लो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, कौन, फीमेल, विच ब्राइटन ओनली स्लाइटली ड्यूरिंग द समर, और आगे चल के समर में यानी कि लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाता है, ओनली स्लाइटली लिखा हुआ, स्लाइटली मतलब बहुत ही कम, ओनली स्लाइटली ब्राइटनेस आ जाता है समर में जाके, यही क्या हो जाते हैं, हल्के से ब्राइटनेस हो जाता है, थोड़ा सा डल से ब्राइटनेस चमकने लगते हैं, कौन, फीमेल, जो गोल्ड फिंच की फीमेल होती है, ठीक। तो बच्चों आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहना भी चाहिए। आज हम लोग एक ही फिश के बारे में, सॉरी एक ही बर्ड के बारे में पढ़ पाएँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर करेंगे सारे बर्ड्स को, लगभग 4 या 5 दिया है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। सेंटेंस चूँकि बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है और समझाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो खाली वैसे ही मैं पढ़ दूँ, क्या फ़ायदा इसका, कोई वैल्यू ही नहीं। अरे जो जो लिखा हुआ है हमको जानकारी के लिए लिखा हुआ है, हम लोग उससे जानकारी लें कि इसका मतलब क्या होता है, इस सीज़न में क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, ये कहाँ से कहाँ माइग्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना नहीं किसी चीज़ को, स्किप नहीं करना, बोर भी नहीं होना है, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट बना के इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग, अभी आप खुद से पढ़ो ना तो बहुत बोर लगेगा आपको कि यार क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी टफनेस वर्ड है, थोड़ा सा वर्ड टफ भी है, मीनिंग भी नहीं समझ में आएगी, आप स्किप कर जाओगे, इसलिए जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे पढ़ो, और जो जो मीनिंग बोलते जा रहा हूँ इसका, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट, उसको लिखते भी चलो, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।